बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो भी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आज की वीडियो में भी मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी सी ज़बरदस्त सी टिप्स लेके आई हूँ, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं, टिप नंबर वन की तरफ चलते हैं। टिप नंबर वन जो है वो इस तरह की चार्जर की वायर से रिलेटेड है, जो कि ये देखें बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। तो इसको साफ़ कैसे करें, इसको साफ़ करने का एक बेहतरीन सा तरीका मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है वो ले ली है एक टूथपेस्ट, और इस टूथपेस्ट को मैं टिशू पेपर के ऊपर थोड़ा सा लगाऊंगी। आप चाहें तो यहाँ पे किसी कपड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में कपड़े का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि टिशू गीला होकर बहुत जल्दी ज़ाया हो जाता है। तो आप कोई कपड़ा ही ले लीजिए, मैं यहाँ पे टिशू का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये लगा लिया थोड़ी सी इसके ऊपर टूथपेस्ट, और अब इस टूथपेस्ट से मैं इस वायर को इस तरह से रगड़ के साफ़ करूँगी। ये देखिए, इस तरह से आप इसको साफ़ करेंगे तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी। ये देखिए ये कितनी अच्छे से साफ़ हो रही है। इस तरह से आपकी ये मुश्किल भी हल हो जाएगी, आपकी वायर जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। ये मेरी वायर बहुत ज़्यादा गंदी थी, तो अगर आपकी थोड़ी गंदी होगी तो वो फ़ौरन से साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखें, ये वायर बिल्कुल साफ़ हो चुकी है और सारा गंद जो है वो इससे उतर चुका है। ये देखें, टिशू पेपर काफ़ी गंदा हो चुका है। तो कैसी लगी ये मेरी टिप, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट भी मैं आपको इसी तरह की वायर से मुतल्लिक बताने लगी हूँ। ये वायर अगर इस्त्री की है या चार्जर की है, किसी भी चीज़ की वायर जो है ये इस तरह से नंगी हो जाती है, तो इसको आप किस तरह से कवर करें, क्योंकि इस तरह से अगर वायर नंगी होगी तो हमें करंट लगने का ख़तरा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कोल्ड ड्रिंक की बोतल का एक ढक्कन, और इसको मैं इस तरह से लैडर की मदद से थोड़ा सा पिघला लूँगी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसको पिघला लिया, और अब इस तरह से हमने इस पिघले हुए ढक्कन को वायर के ऊपर इस तरह से लपेट देना है। तो हमारी ये वायर जो है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको मेरा ये तरीका जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा, तो आप भी इस तरीके को ज़रूर आजमा के देखिएगा। तो यहाँ से ये थोड़ी सी ऊपर हो रही है, तो इसको मैं थोड़ा सा चला के तो फिक्स कर दूँगी। तो इस तरह से आपकी वायर जो है वो बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगी, और करंट का ख़तरा भी नहीं रहेगा। ये देखिए कि कितने अच्छे से कवर हो गया। तो अगर आपकी भी इस तरह से कोई तार जो है वो नंगी हुई हुई है, तो इसको इस तरह से आप कवर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये टिप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो विंटर से रिलेटेड है। तो सर्दी आजकल बहुत ज़्यादा है, तो आप जो है वो बेड के ऊपर इस तरह की कंबल वाली जो नरम बेड शीट होती है उसका इस्तेमाल कीजिए, या अगर ये आपके पास नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है, तो आप जो है वो किसी मोटे कपड़े की बेड शीट बना लीजिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। कॉटन की बेड शीट ठंडी होती हैं, तो उनका इस्तेमाल सर्दियों में ना कीजिए। तो इस तरह से आप काफ़ी हद तक सर्दी से बच सकते हैं। नेक्स्ट टिप भी मेरी जो है वो ये मैट्रेस से रिलेटेड है। आप अपने मैट्रेस के ऊपर इस तरह का वाटरप्रूफ कवर ज़रूर दीजिए, क्योंकि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो वो कोई चीज़ गिरा देंगे, तो इससे आपका मैट्रेस जो है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, या छोटे बच्चों के सोते वक्त पैम्पर भी कई बार लीक हो जाता है, तो इससे आपको आपके मैट्रेस को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो आप इस तरह का वाटरप्रूफ कवर जो है वो अपने मैट्रेस के ऊपर ज़रूर दे दीजिएगा। ये बहुत आसानी से आपको बाज़ार में से मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के बोर्ड से रिलेटेड है। ये बोर्ड हमारे कुछ टाइम के बाद बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो इनको हम किस तरह से साफ़ करें। यहाँ पे मैंने ले लिया है ये नेल पेंट रिमूवर। तो आप जो है लिक्विड नेल पेंट रिमूवर भी ले सकते हैं, उसको किसी कपड़े के ऊपर लगा के तो उससे इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने ये नेल पेंट रिमूवर ले लिया, और इसमें से एक वाइप मैं ले लूँगी और उससे मैं इस बोर्ड को अच्छे से साफ़ कर लूँगी।
तो आप देखेंगे कि हमारा बोर्ड जो है वो बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अगर बच्चे जो हैं वो इसके ऊपर लकीरें वगैरह मार देते हैं तो उससे भी ये बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ हो जाएंगी। तो अगर हमने साफ़ तो कर लिया, इसकी ये जो किनारे हैं इनमें से ये साफ़ नहीं हो रहा, तो आप इस तरह की हेयर पिन ले लीजिए और उसके ऊपर इसको लगा लीजिए। तो इस तरह से आप यहाँ से इसको अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा बोर्ड जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। यहाँ पे बोर्ड हमारा साफ़ हो चुका है और ये देखिए जो इसका सारा गंद था वो निकल चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो मोबाइल के इस तरह के कवर से रिलेटेड है। अक्सर हमारे मोबाइल का इस तरह का अगर कवर होता है तो कुछ टाइम के बाद वो इस तरह का उसका कलर जो है वो ख़राब हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। मेरा ये कवर जो है वो बिल्कुल टूट चुका है, मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आपका कवर अगर इस तरह का नया है और इसका सिर्फ रंग चेंज हो चुका है, वो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, तो उसको हम कैसे साफ़ करें कि उसको हम थोड़ा सा मज़ीद इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पर मैंने ये एक प्लेट ले ली है और इसमें मैं थोड़ा सा गर्म पानी डालूंगी। गर्म पानी डालने के बाद मैं इस मोबाइल के कवर को इसमें रख दूंगी और इसको भी अच्छे से इस गर्म पानी में डिप कर दूंगी। तो इसके बाद मैं इस पे डालने लगी हूँ, मैं खाने वाला जो मीठा सोडा होता है वो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। इस तरह से डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा हिला के मिक्स करूँगी तरह से। और अब यहाँ पे मैंने ले लिया है एक लेमन और इस लेमन का जूस मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। लेमन जूस डालने के बाद इस मिक्सचर में हम अपने इस मोबाइल कवर को 10 से 15 मिनट के लिए या आप ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं, मैंने इसको सिर्फ 10 मिनट रखा था। यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया है और अब इसको 10 मिनट के बाद देखते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मैं 10 मिनट के लिए इसी मिक्सचर में छोड़ दूंगी। तो यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके हैं और अब मैं यहाँ पे ले लूँगी एक टूथब्रश और थोड़ा सा बेकिंग सोडा मैं इसके ऊपर और डालूँगी और उस टूथब्रश की मदद से मैं इसको अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लूँगी। इस तरह से अच्छे से रगड़ के आप इसको साफ़ कर लीजिए तो आपका ये कवर जो है वो काफ़ी हद तक नीट एंड क्लीन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसकी ये जो कलर है ये तो वापस नहीं आएगा, लेकिन ये काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। आप इसको मज़ीद थोड़े से अरसे के लिए और इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपके पैसों की भी बचत होगी और आपका कवर भी अच्छा नया शाइनिंग वाला चमकदार हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं हमारी नेक्स्ट और लास्ट टिप की तरफ। तो लास्ट टिप मेरी जो है वो इस तरह के चूल्हे से रिलेटेड है। अगर हम कमरे में हीटर लगाते हैं तो हीटर जो है बहुत ज़्यादा गैस खाता है और इससे हमारा बिल भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो हीटर के बजाय अगर आप इस तरह के चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं, आप अपने कमरे को गर्म करने के लिए इस तरह का चूल्हा लगा दीजिए, तो इससे आपके बिल में यकीनी कमी होगी। आप देखेंगे कि ये चूल्हा जो है वो गैस भी कम खाता है और इससे आपके बिल में भी यकीनी कमी होगी और आपके पैसों की भी बचत होगी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।